हेलो दोस्तों, वंदे मातरम। मैं हूं आपका दोस्त ओल्ड कॉइन। हमेशा मैं केवल और केवल कॉइन्स के वीडियो डालता हूं, और इस बार मैं बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए जा रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि मैं इस बार एक ब्लॉग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी समय से मेरी इच्छा थी बाबा अमरनाथ जाने की, और मैं आज वो सपना मेरा पूरा होने जा रहा है। तो बाबा अमरनाथ का एक पुराना इंट्रो सा है, जैसे भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, इस तरीके से उनका नारा लगाया जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं कि पैकेजिंग के बारे में। क्या है ना कि काफ़ी लोग जाना चाहते हैं और जाने की कोशिश करते भी हैं, और कई लोग पहुंच भी जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें याद होता है कि हमें क्या ये सामान हम नहीं लाए, वो सामान हम नहीं लाए। तो काफ़ी कोशिश करी मैंने जानने की कि क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए, और वो सामान मैंने एकत्रित किया है। ये सारा सामान वही सामान है जो मैं वहाँ लेकर जा रहा हूँ। अब इसमें आप लोगों को कौन सा सामान रखना है, या आपने कौन सा सामान नहीं रखा है, या जिसकी तैयारी कंप्लीट हो गई है, या जो तैयारी कर रहा है, तो कृपया वो लोग ज़रूर देखें इस वीडियो को कि क्या क्या सामान आपको साथ में लेकर जाना है। सबसे पहले तो आप लोग अंडरवेयर बनियान से शुरुआत करें, और दो दो जोड़ अंडरवेयर और बनियान रखें। साथ में 3 से 4 हैंड रुमाल ज़रूरी रखें, एक ग्लव्स, एक टॉवेल, 4 से 5 टी शर्ट्स, 2 कैपरी, 2 लोअर और 1 पैंट शर्ट अवश्य रखें। इसके अलावा एक बड़ा सा बैग, ट्रैकिंग बैग रखिएगा, जो जिसमें सारा सामान ये आ सके। साथ में आप लोग अकेले तो नहीं जाते हैं, कम से कम 8-10 लोगों का एक टोल दोस्तों का जाता है, जैसे हम 10 लोग जा रहे हैं। तो हम लोगों ने रास्ते में नाश्ते के लिए परमल, सेव और काफ़ी सारा सामान, बिस्किट्स वगैरह रखे हैं, जो रेलवे में हमें काम आएंगे, क्योंकि हमारा रेलवे का जो सफ़र है वो करीबन 2000 किलोमीटर का, लगभग 26-27 घंटे का रहेगा। इस बीच में नाश्ता वगैरह तो लगेगा ही, और खाना हम थोड़ा बहुत घर से पैक करके लेके जाएंगे, क्योंकि बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है। इसके साथ में दवाइयाँ ज़रूर रखें, क्योंकि दवाइयाँ बहुत फ़ायदेमंद होती है। कभी मान लो हम बीमार पड़ जाएँ या कोई दिक्कत आए, तो हमारे पास दवाइयाँ होना अनिवार्य है। अब ये तो हो गई बात हमारे सामान की। अब इसमें क्या होता है कि हम रेलवे में सफ़र करते हैं, तो हमें वहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे गर्म कपड़े, रेनकोट, एक वॉशेबल प्लस वाटरप्रूफ जूते ज़रूरी है, साथ में एक जोड़ी चप्पल, एक टॉवेल, ब्लैंकेट, और हाँ, एयर बलून तकिया जरूर रखिएगा, क्योंकि वो आपको आवश्यक रहेगा। नाश्ता प्लेट, नाश्ता, साबुन, पानी की बॉटल, और जो भी ज़रूरत का सामान है, जैसे शेविंग किट वगैरह, और या आपका सामान जो आप रेगुलरली साथ में लेकर जाएंगे, ये सारा सामान आप ज़रूर पैक करें। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी लोगों को मदद मिल सके। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।